सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन बीजेपी के निशाने पर। इंडिया गठबंधन को लेकर ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। कैंपेन कमेटी की ये दूसरी बैठक थी। इस बैठक में गठबंधन के नेताओं की रैलियों पर अंतिम मोहर लगनी थी। कल शरद पवार के घर पर गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक होनी है, तो आज शाम वर्चुअली ये कैंपेन कमेटी की बैठक होनी थी, जिसमें कौन बड़ा नेता कहां पर और कितनी रैलियां करेगा इसको लेकर मोहर लगनी थी, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। साथ ही आपको बताते चलें, कल शरद पवार के घर पर गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक होनी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद है। जैनेन्द्र, ये कैंपेन कमेटी वाली बैठक जो टली है, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। कमेटी में शामिल एक दो नेताओं से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि कल शरद पवार के घर पे समन्वय समिति की जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, उसमें भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसके बाद, इसके कम से कम एक से दो दिन बाद दोबारा कैंपेन कमेटी की बैठक जो आज होनी थी वो होगी। तो इसके पीछे, इस बैठक के टलने के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि नेताओं ने तय किया है कि कल शरद पवार के घर पर जो समन्वय समिति की बैठक है, उस बैठक में चीजें स्पष्ट जब हो जाएंगी, इसके बाद रैलियों को लेकर के अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि कैंपेन कमेटी की बैठक में मेरे साथ लौटूंगी आपके पास। तो पहले शरद पवार के घर पर समन्वय कमेटी जो है उसकी बैठक हो जाए और उसी के बाद कैंपेन कमेटी की बैठक की जाएगी, ये तय पाया गया है इंडिया गठबंधन में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।